नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इस सेक्शन के अंदर हम वो स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मैटर? जितने भी मैटर हमारे पास अवेलेबल हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब वो किस चीज से बने हुए हैं, इस सेक्शन के अंदर हम वो देखेंगे। इसके लिए लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी। वी हैव अ बीकर जिसके अंदर हमने वाटर को फिल किया, ठीक है। इस वाटर के बीकर में मैंने एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को ऐड किया, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल एक पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है। जिसको नहीं पता इसके बारे में तो आप उसको एक इंक के ड्रॉप की तरह इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंक होती है ना, इंक का एक ड्रॉप हमने अगर पानी में डाला, सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, इमेजिन कीजिए कि हमने इसके अंदर एक इंक का ड्रॉप डाला, ठीक है। जैसे ही हमने ड्रॉप को ऐड किया, पहले ऐड देखिए, पहले हमने जब क्रिस्टल को ऐड किया इट इज सर्कुलर इन शेप। थोड़ी देर के बाद स्टर करने के बाद क्या हुआ, वो फैल गया, वाटर के अंदर ही वो स्प्रेड हो गया। थोड़ी देर और हमने रखा तो जितना वो स्प्रेड हुआ था उससे ज्यादा और स्प्रेड हो गया। फिर फर्दर और स्प्रेड हुआ एंड थोड़ा और स्टर करने के बाद क्या हुआ, पूरे के पूरे वाटर को ही उसने पिंक कलर का कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने स्टार्टिंग में क्रिस्टल डाला था वो छोटा था, छोटा होने के बाद स्टर करते गए जैसे जैसे हम उसको, वैसे वैसे वो वाटर का कलर चेंज करता गया, वो स्प्लिट होता गया फर्दर छोटे 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 पार्टिकल्स में, ठीक है। अब एक क्रिस्टल आपके पास था सर्कुलर छोटा, ठीक है। स्टर करने के बाद वो ब्रेक हुआ, स्प्लिट हुआ और थोड़े से पोर्शन ऑफ वाटर को उसने पिंक किया। फिर थोड़ा और स्टर करने के बाद क्या हुआ, वो और स्प्लिट हुआ और थोड़े पोर्शन को उसने वाटर को पिंक किया। और स्टर करने के बाद पूरा का पूरा जो वाटर है वो ही जो ब्लू आपको नजर आ रहा था कलर, उससे वो पिंक टर्न हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो क्रिस्टल हमारे पास अवेलेबल था वो पूरा का पूरा स्प्लिट हो गया। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा जो क्रिस्टल था, वो छोटे छोटे पार्टिकल एक साथ थे, ठीक है। वो सर्कुलर फॉर्म में एक साथ एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, ठीक है। उसके बाद स्टर करने के बाद क्या हुआ, वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बिखर गए। बिखरने के बाद वो पूरे के पूरे बीकर के अंदर धीरे 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 स्प्रेड हो गए। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते उसके अंदर, बड़े पार्टिकल्स होते, तो ये स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। सो ये जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना हुआ है, एंड इन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर की हर फॉर्म बनी होती है, एंड ये सब पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मैटर, टाइनी पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट मैटर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, नाउ इट इज द zigzag मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस, ठीक है। लिक्विड या गैस के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनके zigzag मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। फॉर example, अगर ये हमारे पास एक लिक्विड या फिर गैस का कंटेनर है, उसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, तो इस टाइप की zigzag मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड एंड गैस के अंदर, यू नो देर आर वेरी लॉट ऑफ स्पेसेस, ठीक है। तो उसकी वजह से दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। तो इस कॉन्स्टेंट मोशन को, इस zigzag मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन हो रही है मैटर के अंदर, इसका मतलब उससे हम कुछ कंक्लूजंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो द कंक्लूजंस दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम ब्राउनियन मोशन, वी कैन स्टडी देम नाउ। द ब्राउनियन मोशन जो किसी भी मैटर के अंदर हो रही है उससे हम दो कंक्लूजंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम ब्राउनियन मोशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ब्राउनियन मोशन की हमने बात की कि वो zigzag मूवमेंट होता है लिक्विड या गैसेस के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनका, ठीक है। सो इससे पहले हमने बात की कि जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो ब्राउनियन मोशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिन पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, एक कांस्टेंट मोशन में वो हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो
The first conclusion that we can draw from Brown and motion is that particles of matter are constantly in motion, मतलब वो हमेशा move करते रहते हैं, ठीक है? Now, the second conclusion that we can draw from Brown and motion is that matter is made up of tiny particles. For example, कोई भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको move करने में इतनी problem नहीं होती, जैसे कोई बड़ी चीज हो जाती है, उसको move करने में problem होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास कुछ छोटे बॉक्सेस हैं एंड कुछ बड़े बॉक्सेस हैं, ठीक है? अगर आप उन छोटे बॉक्सेस को मूव करना चाहो तो वो इजीली मूव हो जाते हैं. अगर आप बड़े बॉक्सेस को मूव करना चाहो तो उनको मूव करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? सो अगर कोई भी एक चीज कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, वो बहुत ज्यादा मूव कर रही है, हमेशा मोशन में है, इसका मतलब ये है कि उसका जो साइज है वो छोटा होगा. तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ब्राउनियन मोशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसका मतलब ये भी है ना कि उनका साइज बहुत छोटा है, तभी तो वो मूव कर पा रहे हैं. तो सेकंड कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है. अब इन टाइनी पार्टिकल्स में क्या है, टाइनी पार्टिकल्स होने की वजह से ही उनका मूवमेंट पॉसिबल है. अगर वो पार्टिकल्स बड़े बड़े होते तो कॉन्स्टेंट मोशन जिसमें वो हैं, वो पॉसिबल ना हो पाता. अगर कॉन्स्टेंट मोशन पॉसिबल है, इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, दे आर वेरी टाइनी. अब दीज वर द टू कंक्लूजंस दैट वी हैव ड्रॉन फ्रॉम ब्राउनियन मोशन. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, फर्स्ट, The particles of matter, they are very, very small. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक एक्टिविटी हमने देखी थी. अब उसी एक्टिविटी का रिवर्स भी हम देख लेते हैं, चेक करने के लिए कि अगर हमारे पास एक बीकर के अंदर ऑलरेडी पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है, एक इंक्ड सोल्यूशन पहले से ही हमारे पास है, उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है? पहले वाटर ऐड किया तो कलर थोड़ा लाइट हो गया, थोड़ा और वाटर ऐड किया तो कलर और थोड़ा लाइट हो गया, एंड फर्दर क्या हो गया, कलर इतना लाइट हो गया जितना हमने वाटर उसके अंदर ऐड किया, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वो बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए वो फर्दर स्प्लिट हो रहे, ठीक है? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम. इसके लिए हम अपना एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं. एक वाटर का कंटेनर है हमारे पास, एक शुगर का बोल है हमारे पास. हमने क्या किया, शुगर को वाटर के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है? शुगर को वाटर में ऐड करने के बाद हमने उसको स्टर किया, हिलाया, ठीक है? हिलाने के बाद क्या हमने देखा, जब भी आप नॉर्मल कोई भी एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऐसी पानी लिया, उसमें शुगर डाला, उसको हिलाया, व्हाट डू यू सी, जो शुगर है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, वो कंटेनर में से गायब हो जाती है. तो वो कहाँ जाती है, जो शुगर हमने वाटर के कंटेनर में डाली है, कहीं तो गई, वो अपने आप से गायब तो नहीं हो जाती, लेकिन जब हमने उसको स्टर किया तो वो कहाँ चली गई. सो इससे हम ये कह सकते हैं कि जब वाटर के अंदर हमने शुगर को ऐड किया, ठीक है, शुगर को ऐड करने के बाद उसमें जो स्पेसेस थे, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो खाली जगह थी, उसमें वो शुगर के पार्टिकल्स भर गए, ठीक है? सो इससे वी कैन से दैट कि जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर की हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ स्पेसेस होते हैं, जिसको अगर वाटर के पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं तो वाटर के पार्टिकल्स में कुछ स्पेसेस हैं जिनको किसने भर लिया, शुगर के पार्टिकल्स ने भर लिया. इसीलिए शुगर कहाँ चली गई, वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर चली गई. सो इसीलिए हम कहते हैं कि शुगर स्टर करने के बाद डिसॉल्व हो गई और वो वहां से गायब हो गई, ठीक है? So the second characteristic is that particles of matter, they have spaces between them. Let us see another characteristic. The particles of matter, they are constantly moving. ये हम already देख चुके हैं कि कोई भी अगर हमारे पास particle है, उसमें जब spaces हैं, तो वो एक constant motion में है, छोटे-छोटे tiny particles होने की वजह से. And the last property that we have is, last characteristic is, The particles of matter, they attract each other. For example, ये black box एक particle है हमारे पास, ठीक है? Sorry, एक matter है हमारे पास. And ये जो blue balls हैं, ये हमारे पास particles हैं, उसके tiny tiny particles हैं. So,
ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, कोई भी एक चीज जो है उसमें बाइंडिंग फोर्स आ पाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वुड के एक टेबल के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो जो वुड सॉलिड होती है वो एकदम पक्की सी होती है, वो वैसी नहीं रह पाएगी। अगर वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर रहे होते तो हम एक बार इसको टच करते और वो सारी जो टेबल है वो बिखर जाती, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि जो उसके अंदर अट्रैक्शन पावर है सारे पार्टिकल्स में एक दूसरे के अंदर, उसकी वजह से एक बाइंडिंग फोर्स मिलती है। सो दीज वर द फोर प्रॉपर्टीज विच आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल काइंड ऑफ मैटर। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।